आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जेम्स वॉरेन जोन्स, या फिर जिनको जिम जोन्स बोला जाता था। क्या कहेंगे आप इनको? आप इनको धर्मगुरु कहेंगे, आप इनको एक्टिविस्ट कहेंगे, आप इनको रेवोल्यूशनरी कहेंगे, आप इनको सोशलिस्ट कहेंगे, या फिर आप इनको हत्यारा कहेंगे? इन्होंने 909 लोगों को मार दिया था, गोली नहीं चलाई थी, कोई वायलेंस भी नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ यह बोला कि जहर का प्याला पी लो, 909 लोगों ने वो जहर का प्याला पी लिया था। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, 1978 में पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले जिम जोन्स की एक कहानी है दोस्तों। आज भी अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो हम जिम जोन्स की कहानी देखेंगे और 1978 का जो इवेंट था वो क्या हुआ था। बड़े अजीबोगरीब इंसान थे ये, देखेंगे एक एक चीज को देखेंगे, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा साइकोलॉजी भी समझेंगे इस लेक्चर में कि इंसान देखिए कैसे होते हैं, दिखाते कैसे हैं और होते कैसे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो कहावत आपने सुनी होगी, वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। और अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं दोस्तों, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिम जोन्स की बात करते हैं, इनका जन्म 13 मई 1931 में हुआ था, ठीक है, इंडियाना में ये जन्मे। जेम्स थर्मन जोन्स जो कि इनके पिताजी थे, इनके पिताजी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते थे, वर्ल्ड वॉर वन के वेटरन थे। वर्ल्ड वॉर वन लड़ते लड़ते इनके पिताजी काफी घायल भी हो गए थे, ज्यादा पैसा नहीं था। जिम जोन्स का जो जीवन था वो बहुत ही स्ट्रगल में बीता है। और इनकी जो माताजी थी लिनेटा पुतनाम, आपको बता दूं कि कभी भी जिम जोन्स को अपने परिवार से प्यार नहीं मिला। जी हां, 1934 जब जिम जोन्स 3 साल के थे तो इनका जो परिवार था वो थोड़ा सा एक मतलब इंडियाना शिफ्ट हो गया। वहां पे अगर हम देखें तो जिम जोन्स का जो परिवार था वो बहुत ही मुश्किलों में रहता था। इनके घर में, घर क्या, बेसिकली इनका एक छोटा सा अपार्टमेंट था, ठीक है, अपार्टमेंट भी नहीं, बहुत ही मतलब एक रेल, जो रेल ट्रैक था उसके बगल में एक छोटा सा अपार्टमेंट इन्होंने लिया था, वो भी एक कमरे का। उसमें खाली एक बेड और एक काउच था और कुछ भी नहीं था। तो पैसे रहते नहीं थे, ऊपर से फैमिली में भी कोई इनको प्यार नहीं करता था, बल्कि इकलौते बेटे थे, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, लेकिन कोई भी अफेक्शन नहीं था। तो अब जब छोटा बच्चा है उसको अफेक्शन की जरूरत है, जाहिर सी बात है हमेशा उसको प्यार की जरूरत रहती है, और छोटे बच्चों को तो एक्स्ट्रा प्यार करना चाहिए, गलतियों में डांटना भी चाहिए लेकिन प्यार भी करना चाहिए, लेकिन इनको कुछ प्यार नहीं मिला। तो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन हाईली इंटेलिजेंट पर्सन थे। इनका जो इंटेलिजेंस था वो बहुत ज्यादा हाई था, दिमाग बहुत शार्प था। पढ़ाई जब इन्होंने की तो इनके टीचर्स तक ने सरेंडर कर दिया इनके सामने। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कम उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था, और अजीबो गरीब थे, इनकी हरकतें अजीबो गरीब थी। ये इधर उधर घूमते रहते थे तो पड़ोस में एक औरत रहती थी, ठीक है, वो क्रिश्चियन थी, वो चर्च जाती थी। तो उन्होंने जिम जोन्स को जब देखा कि बहुत ही परेशान है और इसको प्यार यार नहीं मिलता है, तो इन्होंने जिम जोन्स को बोला कि तुम मेरे साथ चर्च चलो। और तब से जिम जोन्स जो हैं वो चर्च जाना शुरू हो गए। और एक बार जब वो चर्च गए तो चर्च की जो टीचिंग्स थी इतना ज्यादा इनको स्ट्राइक किया कि उन्होंने चर्च में सर्विसेज देनी शुरू कर दी। 10 साल के थे, सिर्फ और सिर्फ जिम जोन्स 10 साल के थे, इन्होंने अपना छोटा सा ग्रुप बना लिया, और तभी इन्होंने सोचा था कि मैं अपना खुद का चर्च बनाऊंगा। जिम जोन्स की एक बहुत बड़ी खासियत थी, ये लोगों का ब्रेन वॉश कर देते थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स थी इनके अंदर। ये लोगों, एक तो ओरेटर बहुत बढ़िया थे, दूसरी बात ये लोगों को इस तरीके से बताते थे कि अगर ये बोल दे कि तुमको मरना है तो लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते थे। जो आसपास के बच्चे थे उनको इकट्ठा करके खुद का ही चर्च इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था, खुद का चर्च मतलब एक ग्रुप इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था, और सर्विसेज देते थे ये। एनिमल्स जो हैं, जो जानवर, जानवरों से बहुत लगाव था जिम जोन्स को, इंसानों से ज्यादा जिम जोन्स को जानवरों से लगाव था। तो कोई भी जानवर अगर मरता था तो उसका बकायदा फ्यूनरल करते थे, है ना, और बाकी लोगों को भी, बाकी बच्चों को भी बोलते थे कि आप भी फ्यूनरल करो। और बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत पढ़ते थे। एक चीज आप याद रखिएगा, जो भी महान हुए हैं, है ना, वो पढ़ते बहुत हैं। स्पेशली जो बहुत महान धर्म गुरु को आप देखेंगे वो पढ़ते बहुत हैं। हमने ओशो की बात की थी, ओशो ने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी। जिम जोन्स ने बहुत सारी किताबें पढ़ी। जिम जोन्स ने स्टालिन को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, माओ को, गांधी को। जिम जोन्स का जो बेटा हुआ था
उनका नाम रखा था स्टीफन गांधी जोन्स, गांधी के नाम पे अपने बेटे का, इकलौता बायोलॉजिकल सन था, गांधी जी के नाम पे उसका नाम रखा था। गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, लेकिन जो सोशलिस्ट थे, क्योंकि जिम जोन्स पूरे पक्के सोशलिस्ट थे, एक टाइम पे तो इन्होंने भगवान भगवान पे सब मानना ही बंद कर दिया था। इन्होंने तो ये खुद अपने आप को भगवान बताने लगे थे कि मैं खुद भगवान हूं। कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है कि नहीं, वही बिल्कुल सेक्रेट गेम्स का इन्होंने डायलॉग मारा था। ठीक है, तो यहां पे जिम जोन्स कुछ ऐसा कर रहे थे। अब इन्होंने बहुत ही कम उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन देखिए इंटेलिजेंस देखिए इनका, ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सबको और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं, उनकी वीक पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, वीकनेसेस पे उन पे ज्यादा बल दिया कि इनमें वीकनेस क्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं इनमें जो ये मतलब इतना प्रॉब्लम इनको क्रिएट हो रही है। ठीक है, या समाज को एक तरीके से पूरी तरीके से यूनाइट नहीं कर पाए, और यही बात भी इन्होंने यूज किया, यही सारे पॉइंट्स इन्होंने यूज किए लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए, जिसको पीपल्स टेम्पल, लोगों का मंदिर बोला गया। ऐसे ही तो लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अब क्या है, यही करिए बस, बढ़िया, खूब बढ़िया सा पढ़िए, सब पढ़ लीजिए, और एक बार आपने पढ़ लिया आपसे वैसे ही कोई तर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास डेटा है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। और उसके बाद फिर जो अज्ञान अज्ञान लोग हैं, या जो इनको नॉलेज नहीं है इतनी ज्यादा, उनको फिर आप बताना शुरू करिए, वो सरेंडर कर देंगे। और यही जिम जोन्स ने किया, और इसको धर्म से जोड़ दिया। अब धर्म से जब ये चीज जुड़ जाती है, अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव चीज में यूज कर रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया, तब तो बहुत बढ़िया है, जैसे भगवान बुद्ध ने किया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव चीजों में यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बाबा हैं, मैं नाम नहीं लूंगा फिलहाल, तब समझ लीजिए समाज का विनाश निश्चित है। समझ रहे हैं? और यही जिम जोन्स ने किया। जिम जोन्स ने अपने लोगों को बरगलाना शुरू किया। जिम जोन्स ने बोला कि मैं ही भगवान हूं। और अजीब और गरीब इनकी हरकतें थी, वियर्ड चाइल्ड थे इनके आसपास जो लोग रहते थे, जो स्कूल में पढ़ते थे, अजीब और गरीब हरकतें थी इनकी, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल थे, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे, हाई ग्रेड्स मिलते थे। ठीक है, 1948 में रिचमंड हाई स्कूल से इन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली, मतलब ऑनर्स बकायदा डिस्टिंक्शन है, पास हुए हर चीज में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। शुरू में ये फ्रेंड्स ही नहीं बना पाते थे, इनका कोई दोस्त नहीं, जो इनका दोस्त बनता था वो इनको छोड़ के चला जाता था। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम्स आ गई, दोस्तों इनके पास पैसा इतना ज्यादा था नहीं, तो हम ये देखते हैं कि जो जिम जोन्स हैं उन्होंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, और ये 4 साल तक हॉस्पिटल में काम करे मतलब इन्होंने किया। ठीक है, और एक चीज और, 1948 आते आते जिम जोन्स को बहुत नॉलेज हो गई थी, तो उस समय ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में, मैंने मार्टिन लूथर किंग की बायोग्राफी रिव्यू की है, आप जरूर उनका रिव्यू देखिएगा, कि भले ही अमेरिका को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मिल गया था 1865 में सिविल वॉर के बाद, अमेरिका ने भले ही ब्लैक्स को थोड़े बहुत राइट्स दिए थे, लेकिन उनको पूरी तरीके से राइट्स नहीं मिले थे, 100 साल बाद उनको मिले 1965 में, वोटिंग राइट्स। ठीक है ना, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की पूरी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, सबसे बड़ा उन्हीं का ही हाथ था जो ब्लैक्स के लिए खड़े हुए। रेशियल सेग्रीगेशन बहुत था, रेशियल सेग्रीगेशन मतलब क्या कि रेशियली सेग्रीगेट करना। व्हाइट्स हमेशा जानते, जो गोरे लोग होते हैं वो हमेशा कहते थे अमेरिका और कहीं पे भी कि हम बहुत सुपीरियर है, क्योंकि हमारा रंग गोरा है तो हम बहुत सुपीरियर है, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, सबसे पहले हक हमारा है सारी चीजों पर, और ब्लैक्स को बिल्कुल दरकिनार करते थे। तो जब ये बहुत ज्यादा चीजें होने लगी, तब ब्लैक्स ने एकदम इसमें रिवोल्ट कर दिया कि अब हम बिल्कुल भी नहीं, ये बस स्टूडेंट इंसिडेंट से ये पूरी घटना शुरू हुई। और उधर फिर मार्टिन लूथर किंग ने पूरा ये जो मामला है वो अपने हाथ में लिया, और 1950 1960 ये पूरा सिविल राइट्स मूवमेंट चला, गांधी जी से प्रेरित था ये मूवमेंट। तो मार्टिन लूथर किंग की बायोग्राफी रिव्यू की है मैंने, जरूर देखिएगा। इसमें एक और भी नाम है, जिम जोन्स। जिम जोन्स जो है वो गली गली घूमते थे, हर कॉर्नर पे, इनके पास हमेशा बाइबल रहती थी, हर कॉर्नर पे ये लोगों को पढ़ाते थे, और सबसे बड़ी बात है ये रेशियल इक्वालिटी की बात करते थे, और इसीलिए जो ब्लैक्स हैं वो इनकी तरफ खींचे चले आते थे, क्योंकि उस समय कोई व्हाइट्स रेशियल इक्वालिटी की बात नहीं करता था। ये सबको पढ़ाते थे हॉस्पिटल में, फिर इन्होंने 1948 में इनके हॉस्पिटल में नौकरी लगी, 4 साल तक इन्होंने नौकरी की वहां पे। ठीक है, 4 साल तक, क्योंकि पैसा चाहिए था, तो ऑर्डरली इन हॉस्पिटल वहां पर इन्होंने नौकरी की, और वहीं पर ही अपनी फ्यूचर वाइफ मार्सेलिन से मिली। मार्सेलिन की बात करें दोस्तों, तो मार्सेलिन जोन्स के साथ आखिरी वक्त तक रही। जब जोन्स ने अपने आप को गोली मारी थी, तो उसमें मार्सेलिन भी मरी थी और इनका बेटा भी मरा था। ठीक है, तो जिम जोन्स के साथ मार्सेलिन आखिरी वक्त तक रही, और मार्सेलिन जो है वो इनसे 4 साल सीनियर थी, और जिम जोन्स उनसे 4 साल जूनियर। कैसे शादी हो जाए, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी, लेकिन इतना बढ़िया इनकी कन्विंसिंग पावर थी कि इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था, और दोनों ने शादी की।
दोनों ने शादी की, अपना शादीशुदा जीवन जो है वो शुरू किया, बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, और 1951 में ये इंडियाना पुलिस में शिफ्ट हो गए। वहां पर इन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी को अटेंड किया और उसके बाद नाइट क्लासेस लेते थे बटलर यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। तो इनके पास एजुकेशन बहुत थी और नॉलेज बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल, और अब यहां पे पूरा का पूरा पर्सनालिटी चेंज होने वाली है जिम जोन्स की। कैसे पर्सनालिटी चेंज होने वाली है, देखिए 1951 में जब ये शिफ्ट हुए, 1954 में इन्होंने एक ऐसे चर्च को ज्वाइन किया जो इनकी सोच से बहुत मिलता था, जिसको मेथोडिस्ट चर्च बोला गया, ठीक है। मेथोडिस्ट चर्च में 1952 की बात है, सॉरी 1952 में ये हुआ था, तो मेथोडिस्ट चर्च जो था इनको लगा ये सोशलिस्ट थे, ये हमेशा रेशियल इक्वालिटी की बात करते थे, ये हमेशा चाहते थे कि लोगों को सारे राइट्स मिले, सोशलिस्ट थे ये बेसिकली। तो मेथोडिस्ट चर्च की जो टीचिंग्स थी इनको बहुत ही सोशलिस्ट लगी, तो मेथोडिस्ट चर्च में पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया, स्टूडेंट पास्टर हो गए, पढ़ाना इन द सेंस की बाइबल की बातें इन्होंने शुरू बतानी शुरू कर दी, ठीक है, धर्म को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी को पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उस समय ये जो मूवमेंट था, ये जो पीरियड था दोस्तों 1952 के बाद, यहां पे ही जिम जोन्स को ये रियलाइज हुआ कि मैं भगवान हूं। जिम जोन्स को बचपन से ही पता था कि मैं अलग हूं स्टूडेंट लोगों से, ठीक है, बाकी लोगों से मैं बिल्कुल अलग हूं, और यहां पे इनको रियलाइज हुआ कि मुझमें बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। हीलिंग करना शुरू कर दिया, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, जिम जोन्स हील करने लगे, लोग अपनी शिकायतें लेके आते थे, अपने प्राश्चित लेके आते थे, क्रिश्चियनिटी में होता है आपको पता ही है, तो ये हील करने लगे, ठीक है, बकायदा उनको बताने लगे। तो यहां पे लोग समझने लगे कि कुछ लोगों को वाकई फायदा हुआ कि जिम जोन्स वाकई भगवान है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये जिम जोन्स की गलतफहमी थी। 1956 में दोस्तों 1956 में बहुत बड़ी चीज होती है जब इन्होंने अपना ही चर्च बना लिया, बहुत बड़ी रिलीजियस कन्वेंशन इन्होंने, क्योंकि 1956 आते आते ये बहुत बड़े हो गए थे, पूरे एरिया में इनका नाम हो गया था, और 1956 में इन्होंने बहुत बड़ी चीज की जब इन्होंने एक रिलीजियस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया, और यही बाद में जाके द पीपल्स टेम्पल बना 1956, और यही पीपल्स टेम्पल्स ने बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें की, समझ रहे हैं। और ये पीपल्स टेम्पल मूवमेंट बन गया पूरा का पूरा, अमेरिका में इसकी बातें होने लगी, लोग इसको ज्वाइन करने लगे, समझ रहे हैं। जोन्स क्या करते थे उस समय, चर्चेस को इंटीग्रेट कर दिया था, रेस्टोरेंट, टेलीफोन कंपनी, सबको इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद जोन्स ने कुछ लोगों को भी अडॉप्ट किया, कुछ चिल्ड्रंस को भी अडॉप्ट किया, जिनको रेनबो फैमिली बोला गया, ठीक है, जो नॉन वाइट चिल्ड्रन थे। अब देखिए जिम जोन्स क्या कर रहे हैं, रेशियली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो ब्लैक्स हैं वो डेफिनेटली जिम जोन्स को सर पे बिठाएंगे, क्योंकि ये वाइट हैं, और वाइट ब्लैक्स की बात कर रहा है, उनके राइट्स की बात कर रहा है, और समय पूरा सिविल राइट्स मूवमेंट चालू है, तो जिम जोन्स को लोगों ने हाथों हाथ लिया और इनको वाकई में भगवान मानना शुरू कर दिया। आप जब भी इस तरीके की इवेंट्स को देखें तो आप यह भी देखिएगा कि पैरेलली क्या चल रहा है देश में, तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब जो मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए अमेरिका के हिस्ट्री पे, इनफैक्ट पूरी अमेरिका का इतिहास ही मैंने कवर किया है, ठीक है, अगर आप सारे लेक्चर्स को ले ले तो आपको अमेरिका का पूरा इतिहास पता चल जाएगा। तो पैरेलली देखिए क्या चल रहा है, इधर सिविल राइट्स मूवमेंट और इधर जिम जोन्स अपना मूवमेंट चला रहे हैं और ब्लैक्स इनसे जुड़ रहे हैं, तो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब सही टाइम पे सही चीजें की जाए तो समझ लीजिए इंसान की किस्मत चमक जाएगी, समझ रहे हैं। तो जिम जोन्स के लिए बिल्कुल सही टाइम था, ठीक है। अब जैसे जैसे जिम जोन्स आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे भगवान को बिल्कुल साइड में रखने लगे, ये तो भगवान पे इन्होंने विश्वास ही करना बंद कर दिया, नास्तिक हो गए, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखाते थे, क्यों, क्योंकि इसी धर्म से इनको बहुत फायदा होता था, बहुत ज्यादा इनको फायदा होता था इसी धर्म से इनको, तो इसीलिए लोगों को नहीं बताते थे कि पूरी तरीके से नास्तिक है, लेकिन बाद में ये बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब जिम जोन्स क्या है, रेशियल इंटीग्रेशन की बात रेशियल इक्वालिटी की बात करते हैं, साथ ही साथ राइट्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो यहां पे जो राइटिस्ट हैं, ठीक है, और जो वाइट्स को सपोर्ट करते हैं वो डेफिनेटली इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जिम जोन्स ने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए थे। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं कोई नई जगह जाता हूं, तो पहले ये गए ब्राजील, ठीक है, पहले ये गए ब्राजील। अब ब्राजील गए, वहां पे इन्होंने अपने टेंपल्स को एस्टैब्लिश किया जो इनका ग्रुप था, और बड़े बड़े लोग आके जुड़े, लोग पैसा लगाते थे बकायदा, जो वहां पे भारत में जिस तरीके के आश्रम्स होते हैं उसी तरीके के जिम जोन्स ने वहां पे
इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई, गेस्ट हाउस बनाए, टेम्पल्स बनाए, ताकि लोग यहां पे आए, रुक सकें और सही धर्म प्रैक्टिस कर सकें। और इसी दौरान दोस्तों यहां पे 1962 में जिम जोन्स ने कहा, आर्टिकल लिखा कि सबसे सेफेस्ट जो टॉप 10 सेफेस्ट नहीं 9 सेफेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में वो कौन सी है। क्यों? क्योंकि जिम जोन्स ने बोला कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर से खत्म होने वाली है और इसी वजह से ये ब्राजील चले गए। अब देखिए इन्होंने ये लोगों के मन में डर भर दिया, ठीक है, और ये चले गए ब्राजील। ब्राजील में गए, वहां पे अपना टेंपल बनाएंगे, लोगों ने भर भर के ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन जब ये अपने घर को छोड़ के गए तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम शुरू होने लगी, ठीक है। यहां पे इनकी जो मेंबरशिप थी वो कम होने लगी, तो दोबारा वापस आइए, दोबारा वापस आए और उसके बाद दोबारा जो मेंबरशिप है वो रिज्यूम हुई, ठीक है। जब ब्राजील में थे तब इन्होंने गयाना में पहली ट्रिप की और गयाना में ही दोस्तों ये हत्याकांड हुआ था, है ना। तो गयाना क्या, गयाना की जो कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, तो गयाना में गए, वहां पे इन्होंने देखा कि वो जंगली, पूरा का पूरा एरिया जंगल वाला है। तो वहां पे शायद इनको लगा होगा कि अगर मैं अपनी लोकेशन शिफ्ट करूंगा तो मैं गयाना में आ सकता हूं। उसके बाद फिर ब्राजील घूमे ये 1963 और 64, फिर उसके बाद ब्राजील से दोबारा ये इंडियाना आ गए, क्योंकि यहां पे जो मेंबरशिप थी चर्च की, अभी मैंने बताया ना, वो बहुत ही कम होने लगी थी, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पे न्यूक्लियर वॉर की बात इन्होंने करनी शुरू कर दी, तो न्यूक्लियर वॉर से कौन बचाएगा, जिम जोन्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को आए, कैलिफोर्निया आए, वहां पे अपने टेंपल्स बनाए, रेडवुड वैली में बनाए, बहुत बड़ा इन्होंने एक विला टाइप का क्रिएट कर दिया दोस्तों। लोगों ने पैसा दिया और औरतों पे बहुत विश्वास करते थे, ये औरतों को ही सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते थे। अभी मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाली चीजें बताऊंगा, अभी तो आप खाली इनका सफर देखिए, अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कि क्या खतरनाक चीजें इन्होंने की थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे औरतों को, लेकिन इस समय ड्रग्स भी लेने लगे थे, यह भी इनके बारे में बोला जाने लगा था कि जिम जोन्स बहुत ज्यादा बाद में ड्रग्स लेने लगे थे, ठीक है। ऑपोर्चुनिस्ट थे, लोकल पॉलिटिशियंस से इन्होंने बहुत ज्यादा कांटेक्ट किया, कांटेक्ट बनाया, और 1976 तक अच्छा खासा इनका कांटेक्ट हो गया था, लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया था। यहां तक कि सैन फ्रांसिस्को के जो मेयर थे, इन्होंने हाउसिंग अथॉरिटी का इनको चेयरमैन बना दिया था, ठीक है। अब अंदर क्या हो रहा था, पीपल्स टेम्पल्स हर जगह फैल गया, ब्राजील में है, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में है। लोगों को पता नहीं था कि पीपल्स टेम्पल के अंदर क्या होता है। लोगों को तभी पता चलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे, जैसे मैं हूं, एक कोई ग्रुप है, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही कि अंदर बहुत गलत चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी नहीं पता। मुझे कब पता चलेगा, जब मैं उसको ज्वाइन करूंगा। और एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, बाहर आप नहीं आ सकते। टेस्टिमनी देखिए दोस्तों, मैं तो बहुत घबरा गया था। टेस्टिमनी कुछ एक का टेस्टिमनी देख के तो मैं तो सोचने लगा था कि यार क्या है, मतलब ठीक है कि मतलब बहुत ही दिक्कत। अभी मैं बताऊंगा, कुछ टेस्टिमनीज के एग्जांपल दूंगा। तो यहां पे दोस्तों क्या है कि बाहरी दुनिया के लिए वो ग्रुप बंद, आप नहीं अंदर जा सकते उस ग्रुप के। और यहां पे अब मीडिया स्पेक्यूलेट करने लगा, लेकिन कुछ लोग यहां पे सामने आने लगे और बोलने लगे कि भैया हमको बहुत मारा जाता है, हमारे साथ टॉर्चर किया जाता है, अगर हम ग्रुप से बाहर निकलने की बात करते हैं तो हम पे हमला किया जाता है, हमको बकायदा कोड़े मारे जाते हैं, हमको बेल्टों से मारा जाता है। ये कुछ लोग बोलने लगे और एक ग्रुप जो है वो अलग हो गया, जिम जोन्स की आदतों को देख के एक ग्रुप अलग हो गया, उसको बोला गया कंसर्न्ड रिलेटिव्स। ये कंसर्न्ड रिलेटिव्स याद रखिएगा, इसका नाम अभी आएगा, मैं बताऊंगा। कंसर्न्ड रिलेटिव्स ये ग्रुप जो है, ये जिम जोन्स पहले जिम जोन्स के साथ थे, लेकिन बाद में ये अलग किए, इन्होंने अलग ग्रुप बना लिया और जिम जोन्स पे अटैक करते थे कि ये जो लड़का है ये बहुत ही गलत करता है, है ना। यहां पे था क्या कि जिम जोन्स पब्लिकली तो दिखाते थे कि मैं बहुत बड़ा सोशलिस्ट हूं, लेकिन प्राइवेट में अंदर ग्रुप के ये बहुत बड़े टायरेंट थे, ये एक शैतान थे, ऐसा लोग बताते थे कि ये बहुत मारते थे और अपने हिसाब से चीजों को चलाते थे, और ना इनको बर्दाश्त था ही नहीं क्योंकि अपने आप को भगवान मानने लगे थे, और जो इंसान अपने आप को भगवान मानने लगेगा खेल खत्म। उसके बाद तो फिर समझ लीजिए उसके पास ताकत है, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप को भगवान मानते थे और बकायदा लोगों को बहुत मारते थे, ये तो नहीं मारते थे लेकिन ऑर्डर दिया जाता था कि मारो इनको अगर कुछ भी कोई भी टेंपल से बाहर जाने की कोशिश करे। अब जब ये सारी चीजें सामने आने लगी तो यहां पे 1978 में कुछ हुआ। क्या हुआ, 16 नवंबर
नवंबर और अक्टूबर का जो महीना था 1978 का, उसमें हुआ ये कि एक एक्टिविस्ट थे, ये बहुत खतरनाक इवेंट है दोस्तों, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, कि एक एक्टिविस्ट थे, ठीक है, कांग्रेस के एक्टिविस्ट थे, उनका नाम था लियो रैन, कुछ इस तरीके से करके उनका नाम था, लेकिन रैन था, ठीक है, लियो रैन था, वो एक एक्टिविस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अब ये दायित्व उठाया कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा 1978 की बात है। अच्छा, एक और चीज हुई थी इस समय, क्या हुआ था, गयाना शिफ्ट हो गए थे, इन्होंने अपने पूरे जो भी डिवोटीज थे उनको गयाना शिफ्ट कर लिया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज में है, आपको पता ही है गयाना, और गयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ये पूरा जंगल था, इन्होंने जंगलों को साफ कराया और वहां पे अपना पीपल्स टेंपल बनाया और उसको जोन्स टाउन बोला जाने लगा, समझ रहे हैं, वो जोन्स टाउन था, और जोन्स टाउन में क्या होता है कुछ नहीं पता हमको। तो यहां पे जब जोन्स टाउन में खतरनाक खबरें आने लगी, मतलब यहां पे ऐसा था आप अंदर तो चले जाएंगे लेकिन आप बाहर नहीं आ पाएंगे, और ये लोगों को बाद में पता चलता था। एक इंसान यहां पे बोलता है कि मतलब जो टेस्टिमनी मैंने सुनी थी उसमें बता रहा था कि मेरा जो रूममेट था, ठीक है, मैं उसके साथ रहता था, और मेरे रूममेट ने वहां से भागने की कोशिश की थी क्योंकि जिस जो वहां पे वॉयलेंस होता था अंदर वो बहुत ही खतरनाक था, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो वॉयलेंस होता था वहां पे, मारा जाता था लोगों को, ह्यूमिलिएट किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों तक को मारा जाता था। तो उसने भागने की कोशिश की कि मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और जब वो भागने की कोशिश की उसको पकड़ के लाया गया, धर के पीटा गया उसको, और इतना पीटा गया कि उसके बाद उसने जब ख्याल भी आता था कि मुझे यहां से भागना है तो उसकी रूह कांप जाती थी, वो डर डर के मारे थर थर कांपने लगता था, वो पूरा वाइब्रेशन मोड में चला जाता था, है ना, तो ऐसा डर था, समझ रहे हैं, ऐसा होता था अंदर जोन्स टाउन के अंदर। तो अब यहां पे जो कांग्रेस एक्टिविस्ट थे लियो रायन, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ मीडिया मेंबर्स को लिया, ठीक है, कंसर्न रिलेटिव्स के मेंबर्स को लिया और रिपोर्टर्स को लिया, उनके साथ गए गयाना जोन्स टाउन, ठीक है, वहां पे उन्होंने एनालाइज किया, ठीक है। जोन्स टाउन जैसे ही पहुंचे बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ और बहुत अच्छे से आइए खातिरदारी हुई, सब कुछ बढ़िया है। उस समय जब उन्होंने, क्योंकि उस समय तक ये खबरें आने लगी थी कि जोन्स टाउन में प्रॉब्लम है, वहां से लोग निकलना चाह रहे हैं, और उस समय बहुत लोग थे दोस्तों, 1000 से ज्यादा उस समय लोग रह रहे थे, और बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, ठीक है। तो यहां पे जब लियो रायन गए तो लियो रायन को सब कुछ ठीक लगा, ठीक है, लेकिन जब लियो रायन दोबारा गए 18 नवंबर को 1978, जब दोबारा गए तब यहां पे गड़बड़ हो गई। 18 नवंबर 1978 में 15 लोगों ने यह बोल दिया लियो रायन से कि हमको यहां से बाहर निकलना है, बस खेल खत्म। जब यह बात पता चली जिम जोन्स को कि 15 लोगों ने यह बोला है कि इनको यहां से बाहर निकलना है, मूड खराब हो गया। इतनी औकात कैसे हो गई कि 15 लोग ये बोल रहे हैं, एक को भी यह नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद जिम जोन्स ने बोला कि इनको पनिश करूंगा, लेकिन जो गुस्से का कारण थे वो थे लियो रायन, इनको तो नहीं छोड़ूंगा। तो 18 नवंबर 1978 जब लियो रायन एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो जोन्स टाउन के ही मेंबर, इनके पास सब असलहे थे, यहां पे डेफिनेटली जो ऑर्डर दिया होगा वो जिम जोन्स ने ही दिया होगा, तो सारे हथियार लेके गए। जैसे ही जो एयरफील्ड थी वहां पे, क्योंकि गयाना जो है उस समय बहुत डेवलप नहीं था और कोई एयरपोर्ट वहां पे नहीं था, ठीक है, तो जैसे ही एयर स्ट्रिप, छोटी सी हवाई पट्टी थी, प्लेन को बोर्ड करने पहुंचे लियो रायन, वहां पे उनके ऊपर हमला हो गया, और इसमें लियो रायन और 3 लोग और मारे गए, और बाकी भाग गए, जो टीवी रिपोर्टर्स आए थे वो घायल हो गए लेकिन जंगलों में भाग गए। अब यहां पे उसी दिन की बात है, 18 नवंबर 1978, शाम 6 बजे की लगभग बात है। अब यहां पे हुआ क्या कि जिम जोन्स को यह पता लग गया कि अब फोर्सेस आएंगी और इस पूरे टाउन को तहस नहस कर देंगी। तब जिम जोन्स ने बहुत ही खतरनाक चीज की, उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, 918 लोग थे, और उन्होंने बकायदा जो कुछ चीजें मंगवाई, कुछ इंजेक्शन मंगवाए जिसमें साइनाइड था, कुछ फ्लूइड्स मंगवाए, ड्रिंक्स मंगवाई जिसमें जहर था, और लोगों से बोला, पहले लोगों को लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसके बाद लोगों से बोला, 1 घंटे बाद की बात है जब यह हमला हुआ लियो रायन पे, जब हमला हुआ उसके ठीक 1 घंटे बाद, और उन लोगों से बोला ये जहर पी लो। 918 लोगों ने दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ना नहीं कर सकते थे, भरोसा करते थे जिम जोन्स पे, वो जहर को पी लिया बिना कुछ सोचे समझे, कोई भी उन्होंने आवाज नहीं की, कोई भी सवाल नहीं पूछा। 909 लोगों की इसमें जाने गई, जिसमें 304 बच्चे थे। पहले बच्चों ने पिया, जो मां बाप थे उन्होंने बच्चों को पिलाया, 304 बच्चे थे वो मर गए, मां बाप के सामने मर गए, उनके हाथों में जान गई।
उसके बाद बड़ों ने पिया और एक के बाद एक लाशें गिरती रही। रेवोल्यूशनरी सुसाइड ये जिम जोन्स ने नाम दिया। और उसी रात जिम जोन्स ने भी अपने आप को गोली मार ली। अब गोली मारी उन्होंने, गोली मारी कि किसी और ने गोली मारी, ये अभी तक मिस्ट्री है, किसने गोली मारी उसी रात हुआ। और इसके साथ इनकी बीवी भी मरी और इनका जो एक बेटा था वो स्टीफन गांधी नहीं, दूसरा जो मतलब एक और बेटा था इनका, जो पता नहीं वो इनका भी था क्या किसका था, ठीक है, वो भी इसमें मारा गया। तो इसमें इतने लोगों की जान गई। और जब अगले दिन ये पूरे एरिया का मुआयना हुआ, सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, हजार लोगों, सोचिए 218,000 के करीब लाशें, ठीक है, तो लोगों की रूह कांप गई। उसके बाद अमेरिका ने ये बिल्कुल प्रण लिया कि अगली बार से इस तरीके का मूवमेंट हम पनपने देंगे ही नहीं। और इसीलिए जब ओशो ने, इसी दौरान ओशो भी तो 1981 में आ गए थे अमेरिका में, और उन्होंने भी अपना पूरा शहर बसाने की मांग की थी रजनीशपुरम, तभी रिचर्ड निक्सन डर गए थे, रिचर्ड निक्सन डर गए थे 1984 में कि कहीं ऐसा ना हो कि जिम जोन्स वाला बिल्कुल ही वो यहां पे रिपीट हो जाए। ओशो की बायोग्राफी रिव्यू किया तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा इवेंट था जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी कि ऐसा हो कैसे सकता है, 918 लोगों की जाने गई। और जो होता था अंदर, आप टेस्टिमनी सुनिएगा, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये कहानी थी जिम जोन्स की, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।